कि जो ओपीएस बहाली है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में दिन रात एक करके इस प्रदेश को विकास की नई सीढ़ियों में आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए। तो हमारे जो भवानी पठानिया जी है, रोहित ठाकुर जी है, शांडिल साहब है, विस्तृत चर्चा की फाइनेंसिस कैसे आएंगे, जैसे कि एक पत्रकार बंधु ने सवाल किया, उस फाइनेंसिस के मामले में विस्तृत चर्चा हुई और अंत में ये फैसला किया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो विभागों के कर्मचारी है, कॉरपोरेशन के कर्मचारी है, बोर्ड के कर्मचारी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो रिटायर्ड लोग हैं उनके कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी सरकार नाम से प्रभावित होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा और ये हमारे घोषणा पत्र में तय हो गया है। और इस मामले में हाईकमांड से भी बात होगी और पहला पॉइंट हमारा ओपीएस जो हमारे सरकारी कर्मचारी है उसकी बहाली से संबंधित इस पर फैसला हो गया और फाइनेंस के मुद्दे पर भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई, आधा घंटा एक घंटा इसी पर चर्चा की गई। ओपीएस को मुद्दा बनाना पार्टी कई आजादी के बाद से लड़ती आ रही, पर हम चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए विकास की नई धारा को आगे लाए हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उस सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में कि पैसे की जरूरत तो 60 साल के बाद पड़ती है, जनरेशन गैप है, तो उस संदर्भ में हमारे भवानी पठानिया जी ने एक बार को प्रेजेंटेशन भी दी कि कैसे हमने पैसा आगे लाना है। तो उस संदर्भ में हमने चर्चा की और सबने एक नीति से फैसला किया, चेयरमैन साहब ने भी उसमें एक नीति से फैसला किया, रोहित जी ने कि हम इसको ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में भी लाएंगे और पहले ही दिन इसको लागू भी कराएंगे। तो इससे ज्यादा हम अपनी सरकारी, वो भी तो हमारे परिवार के लोग हैं, हम भी तो कई सरकारी कर्मचारी के बच्चे, तो इस प्रकार से हमने इस घोषणा पत्र को ओपीएस को लागू करने की योजना बनाई है और घोषणा पत्र में ये ओपीएस नहीं, पत्रकारों से संबंधित भी योजना आएगी, ये नहीं सो आप भूल जाना कि आपके से आपसे संबंधित भी एक योजना आ रही है। जो हिमाचल के बच्चे हैं जर्नलिज्म करते हैं, हिमाचल के युवा साथी जर्नलिज्म कर रहे हैं और उनका शोषण ना हो, शोषण के दृष्टि से भी ना, वो अपनी पत्रकारिता में आजादी महसूस करे, जो उनको अच्छा लगता है उस दृष्टिकोण से उनको कैसे सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, उस मामले में हमारे रोहित ठाकुर जी ने विचार रखे हैं, तो हम उस मामले में